नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज, बाई लॉज और रिसेंट लीगल अपडेट्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल जजमेंट और ऑर्डर्स भी होते हैं। उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कब से शुरू हुआ और आज उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, पूरी उसके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम वीडियो प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि IPC 1860 की धारा 124A के बारे में, जो कि सेडिशन यानी कि राजद्रोह अपराध के गठन और उसके लिए पनिशमेंट अर्थात सज़ा की बात करता है। दोस्तों, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए पहले मैं यह बता दूं कि 22 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में एक याचिका की सुनवाई के दौरान राजद्रोह कानून पर अगले अंतरिम आदेश जारी करते हुए अगले आदेश तक या नए कानून बनाए जाने तक राजद्रोह कानून पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी और साथ ही साथ राज्यों को यह निर्देश दिया था कि धारा 124A के अंतर्गत मामले दर्ज ना किए जाएं और अगर दर्ज भी किए जाते हैं तो जिसके विरुद्ध दर्ज किए जाते हैं उसको इसका अनुदोष प्रदान हो और अगर वह ऐसी एप्लीकेशन देता है तो उसको उससे बरी किया जाए, निकाल दिया जाए। यह मामला था और अब हम लोग यह जानेंगे कि धारा 124A क्या है और यह IPC में कब इंसर्ट हुई। तो दोस्तों, धारा 124A जो है वो एक विधि शास्त्री थे ब्रिटेन के स्टीफन, उनके द्वारा 1870 में IPC में इंसर्ट की गई 1870 में। आप सभी लोगों को पता ही है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में लगातार जो स्वतंत्रता संग्राम थे उसकी चिंगारी भभक रही थी और गली गली, गांव गांव, शहर शहर से नवयुवक, बूढ़े वृद्ध, महिला पुरुष, बच्चे सब लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और वह आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी और उस आग को दबाने के लिए ही IPC में धारा 124A को इंसर्ट किया गया था, जो यह कहता था कि बोलकर, लिखकर, दिखाकर, समझाकर अथवा इशारे द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति भारत में स्थापित विधि द्वारा जो सरकार है उसकी अवहेलना करता है, उसका अपमान करता है या अपमान करने का प्रयत्न करता है तो ऐसा अपराध राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि 1870 का कानून था तो जो विधि द्वारा स्थापित सरकार थी वो ब्रिटेन सरकार थी और जो विधि है वह विधि ब्रिटिश जो महारानी का क्राउन है वह विधि है और उस विधि द्वारा स्थापित जो सरकार है उसके लिए यह बात की जा रही थी। तो निश्चित तौर से यह जो बहुत ही कम शब्दों में व्याख्यात जो धारा थी वह भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाने के लिए और जो स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी थी उसको, उसके मर्दन के लिए, उसको दबाने के लिए ही इस धारा को IPC में इंसर्ट किया गया था, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को फांसी भी दी गई थी, बहुत सारे लोगों को काला पानी की सज़ा भी दी गई थी। इसमें 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, हालांकि केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला था जो कि आज़ादी के बाद सन 1962 में आया था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट करते हुए यह कहा कि अगर ऐसा अपराध गठित करने का प्रयत्न करता है या ऐसा अपराध करने के लिए तैयारी मात्र ही करता है, योजना मात्र ही बनाता है अगर, तो भी वह उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध साजिश करना या विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की योजना बनाना भी अपने आप में अपराध होता है। तो वहाँ ये लैंडमार्क जजमेंट में ये ऐड किया गया था। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने बताया कि 22 मई 2022 को इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और यह कहा था कि जब तक नया कानून नहीं बन जाता है या जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई और नया आदेश पारित नहीं कर देती है इस विषय में, इस विषय पर कोई भी केस दर्ज ना किया जाए। और इस विषय पर सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में लगातार कि क्या 124A जो था वो लीगल है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसका जो डिबेट है वो सीधे सीधे आर्टिकल 19(1) से जोड़ा जाता है, जिसमें आपको 19(1A) के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और जब आप विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और वहाँ ये कहा जा रहा है कि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित
जो सरकार है उसके विरुद्ध आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार के विरुद्ध बोलना जनता का अधिकार होता है, तो वहाँ से वो संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(a) है और जो लोकतंत्र का मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके विरुद्ध है कि नहीं, इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न चल रहा था लगातार। और इस प्रश्न को, क्योंकि जो केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का मामला था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि 5 जजीय बेंच थी, 5 सदस्यों की पीठ थी, संविधान पीठ, उसने उस मामले को निर्णय दिया था। इसलिए चीफ जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 जजेस की पीठ ने उसको 5 जजेस की संविधान पीठ को भेज दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में आगे का निर्णय वही करेंगे। हालांकि इसमें एक जो महत्वपूर्ण अपडेट था वो ये था कि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और तुषार मेहता जी पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार यह चाहती है कि इस कानून को निरस्त किया जाए पूरी तरीके से, और क्योंकि ये इसका प्रयोग अब ठीक नहीं है तो, और इसलिए इस पर सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही जो नया लॉ है भारतीय न्याय संहिता 2023 वो संसद की जो है संसदीय समिति के पास विचाराधीन है, लेकिन क्योंकि जो नया लॉज होता है वह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, जो भी क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट होते हैं वो उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए जो भूतकाल में जो पीछे जब से इस मामले पर रोक नहीं लगाई गई थी, इस विषय पर रोक नहीं लगाई गई थी, उसके पहले जो भी मामले दर्ज किए गए थे इस विषय में, उसकी सुनवाई तो धारा 124(a) के अनुसार ही होगी और उसकी सज़ा भी धारा 124(a) के अनुसार ही होगी। हालांकि आपको जैसा कि हमने बता ही दिया कि अब इस मामले की सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर यहाँ पर भी उचित मत नहीं मिलता है या जजों को सही राय नहीं मिल पाती है तो इसे और बड़ी बेंच 7 जजों की या 9 जजों की बेंच को भी भेजा जा सकता है, क्योंकि यह गंभीर विषय है और यह कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है कि क्या धारा 124(a) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हनन करती है, उसका वायलेशन करती है, क्या यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या यह लोकतंत्र के मूल ढांचे को विध्वंसित करती है। इस प्रश्न का लगातार उत्तर जो है सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रही है। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता आई है इसमें भी जो राजद्रोह का वर्णन किया गया है, इसमें धारा 150 में इसका वर्णन किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति लिखकर, बोलकर, दिखाकर, समझाकर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से भारत सरकार के प्रति किसी प्रकार की घृणा फैलाएगा, किसी प्रकार की अशांति फैलाएगा, भारत के अंदर अशांति फैलाने का प्रयत्न करेगा, हिंसा फैलाने का प्रयत्न करेगा, अथवा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खंडित करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को जो है राजद्रोह, ऐसे कृत्य को राजद्रोह माना जाएगा और उसे उस देशद्रोह को उसमें लिया गया है कि उसमें 3 प्रकार की सज़ा का वर्णन किया गया है, 3 साल की सज़ा फाइन के साथ, 7 साल की सज़ा फाइन के साथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ। ये 3 प्रकार की सज़ा जो है धारा 150 भारतीय न्याय संहिता 2023 में वर्णित है। हालांकि जब यह अभी संसदीय समिति के पास विचाराधीन है, वहां से आएगी, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में होगा, राष्ट्रपति का कंसेंट होगा, उसके बाद फिर जो है एक गजट में प्रकाशित किया जाएगा, सरकारी गजट में, कि आज से आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता प्रभावी होगी, तो उस समय से यह कानून प्रभावी होगा। फिलहाल तो अभी धारा 124(a) ही प्रभावी है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धारा 124(a) में दर्ज मामले धारा 124(a) के आधार पर ही सुने जाएंगे। हालांकि जब भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी तो लागू होने के बाद जो अपराध कारित होगा वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 के अंतर्गत होगा। फिलहाल धारा 124(a) कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह लोकतांत्रिक ढांचे को सशक्त करती है या विध्वंस करती है, इसका डिबेट सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ करेगी और आगे जो भी इस पर अपडेट होगा हम आपसे जरूर इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे और आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए हमें विदा करिए, नमस्कार। अगर आपका कोई प्रश्न रहे तो कमेंट में अवश्य कमेंट करिए। धन्यवाद।